तो आज हमने बनाया है सफ़ेद लोबिया, बहुत ही बढ़िया बने हैं। जिस तरह से मैंने ये रेसिपी बनाई है, एक बार आप भी इस तरह से बना के अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैंने आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं किचन में, बनाते हैं सफ़ेद लोबिया की रेसिपी एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आज हम बना रहे हैं सफ़ेद लोबिया। ये मैंने एक कटोरी लोबिया लिया था, 5 मिनट उसको भुगो लिया और अच्छे वॉश कर चुका हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च, 2 से 3 कलियाँ लहसुन की और थोड़ी सी अदरक मैंने चॉप करके डाली है। ग्रेवी के लिए मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें मिक्स करके पीस लूँगा। सबसे पहले उसको हम उबाल लेते हैं, यानी कि प्रेशर कुक के अंदर डाल के पका लेते हैं उसको। चलते गैस की साइड, गैस पे रखा है मैंने कुकर, कुकर में डालते हैं वह सफ़ेद लोबिया। पानी सारा निकाल दिया था मैंने और एक कटोरी मैंने लोबिया लिया था जिससे उससे 3 कटोरी मैं पानी डाल रहा हूँ। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी जाएगी हींग, कुछ खड़े मसाले लिए मैंने, एक लौंग मोटी इलायची ली है, 2 से 3 लौंग ली है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और ढक्कन लगाते हैं और गैस और कर देते हैं। 1 सीटी लगने के बाद मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। जब तक हमारा लोबिया पक रहा है तो प्याज टमाटर को पीस लेते हैं हम। 3 प्याज और 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च पीस लेते हैं इनको हम। प्याज वगैरह मैंने पीस लिए थे, कढ़ाई रखी है मैंने गैस के ऊपर, उसमें डालते हैं सरसों का तेल, दो से तीन टेबल स्पून है, गर्म होने देते हैं इसको। सरसों का तेल गर्म हो गया और उधर सीटी भी लग गई थी तो मैंने मीडियम कर दी है, 5 मिनट तक उसे मीडियम में पकाते हैं। डालता हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 हींग है, 1 तोड़ के सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता है और जो मैंने कद्दूकस करके अदरक डाली थी वो डाल देते हैं। अच्छे से भूनेंगे, जीरा अदरक हमारा अच्छे से भुना गया है तो उसमें थोड़ा प्याज वगैरह कचोरी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको जब तक भुनेंगे जब तक उसमें से तेल अलग ना हो जाए। मिक्सी में थोड़ा सा मसाला था तो पानी के साथ मिक्स करके निकाल दिए मैंने, वो भी डाल देते हैं। डालते हैं कुछ मसाले, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 मैं नमक ऐड कर रहा हूँ जिससे हमारे टमाटर प्याज जल्दी से पक जाएंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे इसको, आज को मैं मीडियम कर रहा हूँ, उसको कवर कर देता हूँ जिससे हमारी जो ग्रेवी है फटाफट पक जाएगी। आज मैंने कम कर दिया और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। चेक करते हैं, 4-5 मिनट हो गए थे, फर्स्ट क्लास मसाला भुना गया, अभी थोड़ा सा और भुनेंगे। साथ में मैं डाल देता इसमें थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें हैं, 8-10 ली थी। उधर मैंने गैस भी ऑफ कर दी थी, अभी उसमें प्रेशर में है लोबिया हमारे, प्रेशर रिलीज हो जाएगा फिर चेक कराता हूँ मैं आपको।
ऊपर का प्रेशर निकल गया है, तो चेक करते हैं अपने लोबिया को। फर्स्ट क्लास गल गए हैं। थोड़े से मैं फेस भी देता हूँ और कुछ खड़े रहेंगे। एक तड़का लगाते हैं इसको, हम यानी कि ग्रेवी में डालते हैं इसको। मसाला हमारा अच्छे से भुना गया, तो अपने लोबिया ऐड कर देते हैं हम। अच्छे से मिक्स करते हैं मसाले के साथ इसको। कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे जो मसाला है, ग्रेवी है हमारी, अच्छे से लोबिया के अंदर उसका फ्लेवर आ जाए। और अभी थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, लोबिया बहुत गाढ़े हो गए हैं। पानी भी ऐड करेंगे हम गरम। ऐड करते हैं पानी गरम। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। उसको 5 से 8 मिनट तक पका लेते हैं, एक आधा उबाला आने देते हैं उसको अच्छे से। 5 से 8 मिनट तक हो गए हैं, तो ऊपर से ऐड करते हैं कसूरी मेथी। और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। गैस को ऑफ करते हैं। उसको हम सर्व करेंगे चपाती राइस पराठे के साथ। आई होप आपको मेरे बनाए हुए सफ़ेद लोबिया की रेसिपी पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।